हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये बेबी बूटीज बनाना सीखेंगे। तो ये जो हमने बेबी बूटीज बनाई हैं, ये 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो अगर आप कम एज के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए फंदे कम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फंदे रखे हैं वो 32 फंदे रखे हैं। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से 10 फंदे कम कर दीजिए, तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स 25 फंदे रख सकते हैं। तो 25 फंदों में आपका जो है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेबी बूटीज बन जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सिंगल धागे के साथ, ये देखिए सिंगल धागे के साथ 32 फंदे डाल लिए हैं और इसको बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए, इस सारी रो को हम फर्स्ट रो है और राइट साइड है, इस सारी रो को हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो बूटीज हैं वो दोनों साइड से उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनती हैं, तो बनाने में बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसे इजिली बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एस स्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे। फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है, सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस सारी रॉ को भी हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम इसे की राइट साइड में आ गए हैं। तो ऐसे ही हमने सीधी साइड में भी उल्टे फंदों के साथ और उल्टी साइड में भी उल्टे फंदों के साथ बनाते हुए इसकी टोटल 14 रो, एक साइड में 14 ये जो रो है वो बननी चाहिए, टोटल 28 रोज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 रो बना ली है, तो इसकी 28 रॉस बनानी है, तो ऊपर हम 26 रॉ इसकी और बना लेंगे। तो 2 रॉ हमने बना ली है, 26 रॉ, और ऐसे ही दोनों साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाते हैं। फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए, हमने इसकी 28 रॉ कंप्लीट कर ली है। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, 14 रो एक साइड की और 14 रो हमने 14 रो इस साइड में निकाली है, टोटल 28 रो हमने इसकी बना ली है। तो अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये देखिए, इसमें से अब हम 12 फंदे डिक्रीज करेंगे, 12 फंदे डिक्रीज कर देंगे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, इसके ऊपर से टॉप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ये देखिए 12 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं। काउंट करते हैं 20 फंदे लेफ्ट हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये देखिए 20 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं। अब इन 20 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड में आ गए हैं, इसे भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे, इस सारी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये इसकी फर्स्ट रो काउंट करेंगे, फर्स्ट रो है और राइट साइड है। इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सेकेंड रो रॉन्ग साइड, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो है और राइट साइड है। इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे थर्ड रो को। फोर्थ रो रॉन्ग साइड फिर से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बना लेंगे। हर बार इसकी रॉन्ग साइड हम उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। फिफ्थ रो राइट साइड, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेंगे। सिक्स रॉन्ग साइड फिर से उल्टे फंदों के साथ बना लेंगे। ये देखिए सिक्स रॉ कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यही सिक्स रॉ ऊपर, ये देखिए ये हमने एक बार बना लिया है, इसको हम सेवन बार बनाएंगे। तो एक बार हमने बना लिया है, सिक्स बार और बनाएंगे। तो देखिए ये फिर से फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रॉ यानी कि इस सारी रॉ को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए अब हमने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये हम बनाएंगे। ये वाला हमने जो पोर्शन बनाया है दो सीधे फंदों के साथ और ये हमारी फोर रो उल्टे फंदों के साथ, ऐसे ही हम ये 1 2 3 4 5 6 और 7 7 हमने ये रो बना लेनी है। तो ये हमने 6 रो 7 टाइम बनानी है। एक बार हमने इसको बना लिया है, 6 बार और बना लेती हूँ, आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने इसकी 7 रो बना ली है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आप सीधी साइड में आ गए हैं। और यहाँ पर हम 2 रो और सीधे फंदों के साथ बुन लेंगे। ये देखिए ये सीधी साइड है, सीधे फंदों के साथ बुनेंगे। अब उल्टी साइड में आएंगे, रॉन्ग साइड में, और इसे उल्टे फंदों के साथ बुन लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने ये जो फंदे इसके डिक्रीज किए थे, अब यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फंदे इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा जो बुना हुआ फंदा है, इसके पहले से यहाँ ये देखिए ये दो फंदों के बीच में से इस तरह से सिलाई निकालेंगे और एक फंदा बनाते हुए ये देखिए इस तरह से लेकर जाएंगे। अब फिर से इन दो फंदों के बीच में से इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, सिलाई पर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम ये 12 फंदे बना लेंगे। यहाँ पर हमने 3 फंदे बना लिए हैं, 1 2 3। अब फोर्थ फंदा बनाएंगे। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12। ये देखिए हमने 12 फंदे यहाँ पर इंक्रीज कर दिए हैं और फिर से हमारे पास यहाँ पर 32 फंदे हो गए हैं। काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 and 32 32 फंदे हमारे पास हो गए हैं। और फिर से इस सारी रो को हम इस तरह से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं, रॉन्ग साइड भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बना लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो रॉ उल्टे फंदों के साथ बना ली हैं। अब ऊपर इसकी 26 रॉ और बना लेंगे। जैसे हमने इस साइड में 28 रॉ बनाई थी, वैसे ही हम इस साइड में भी दोनों साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए 28 रॉ इसकी बना लेंगे। दो रॉ बना ली है, 26 रॉ ऊपर और बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 14 रॉ बना ली है, टोटल 28 रॉ हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं, तो अब फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो उल्टा बुनते हुए इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा ढीले हाथों से ही बाइंड करेंगे। तो सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ से इस तरह से ये रॉन्ग साइड इसकी लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ से सिल लिया है। ये देखिए अब इसको हम नीचे से सिलेंगे, तो ये देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको सिलेंगे। देखिए इसको हम यहाँ तक सिल लेंगे। ये सेंटर का पोर्शन है इसको। ये देखिए किस तरह से सिलना है, ऐसे इसके छोटे छोटे स्टेप ले लेंगे। ये देखिए और इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा ही स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। और अब इस तरह से इसको सिल देंगे। देखिए यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ से इसे सिलेंगे, तो फिर से इसको उल्टी साइड में लेकर जाएंगे और जैसे हमने पहले नीचे से छोटे छोटे स्टेप लिए थे, वैसे ही इसको भी यहाँ से इस तरह से इसके छोटे छोटे स्टेप उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको हमने उठा लेना है और अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। फिर से जैसे हमने नीचे की तरफ किया था, वैसे ही इसको स्ट्रेच कर लेंगे और इस वाले धागे के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे और इसको स्ट्रेच कर लेंगे। फिर से इसको
सिल लेंगे। ये देखिए इसको हमने सिल लिया है। यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे और सीधी साइड में आएंगे, इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम बीड्स लगाएंगे, तो 7 बीड लेंगे और इनको एक साथ इस तरह से धागे में पिरो लेंगे 7 बीड्स को। तो यहाँ पर आप बीड्स की जगह पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से लेंगे और एक बीड को छोड़ते हुए, फर्स्ट बीड को छोड़ते हुए फिर से इसको, ये देखिए ये सभी 6 बीड्स में से दोबारा से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको जब खींचेंगे तो ये इस तरह से राउंड हो जाएगा। ये सेंटर का बीड लेंगे और इसको इसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर सिल लेंगे एक साइड से। अब दूसरी साइड भी इसकी इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और यहाँ पर इसकी एक नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बेबी बूटी बनकर कंप्लीट है। ये देखिए ये दोनों हमने बना लिए हैं और ये बनकर बहुत ही प्यारे लगते हैं और पहनकर तो और भी अच्छे लगते हैं। तो फैन आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फैन।